पाकिस्तान में टेरर जरूर आ गया था, हारा आयरलैंड, लेकिन रो पाकिस्तान के बादल रहे। 2 जून को हमारे साथ क्या होगा, 2 जून को पाकिस्तान के साथ क्या होगा, इसका क्या होगा 9 जून को, जो 9 जून को इसको बेटा देखे पकड़ के मेरे पास ले आए, क्योंकि ये भागने की कोशिश करेगा। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, कसम से रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा फेवरेट प्लेयरों में से ये एक प्लेयर है। जब ये चलता है ना, कसम से इतना जबरदस्त दिल करता है इस बंदे को देखने का, मजा आता है। बाबर आजम क्या करेगा, क्योंकि बाबर आजम तो छक्के मारता ही नहीं है, बाबर आजम तो मारता ही चौकी है, तो बाबर आजम इस ग्राउंड के अंदर कैसे चौके मारेगा जहां पे चौका लगता ही नहीं है। से कहते हैं कंट्रोल काइंड ऑफ विन, ओके, इट वाज एन इनएक्सपीरियंस साइड, बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है। रोहित शर्मा तो लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सो इजी, इट अपीयर्स हीज गॉट लॉट मोर टाइम देन द अदर बैटर्स। उस जैसा माइंडसेट मैं लिख के देता हूं, इस टाइम प्रेजेंट क्रिकेट में किसी के अब्बे के पास भी रोहित शर्मा जैसा माइंडसेट नहीं है। वो टीम जो एक टाइम में फेमस हुआ करती थी अपने बल्लेबाजी के लिए, अब वो दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलिंग लाइनअप बनी हुई है। मुझे लगता है 9 जून को जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज, अगर ये एक एक दो दो विकेट ले तो पाकिस्तान की पूरी टीम इन्होंने कच्ची निकल जानी है। और जसप्रीत बुमराह जो 6 रन देता है उसके बाद 2 विकेट ले जाते हैं, और अर्शदीप सिंह यार इतनी स्विंग, मतलब यार बाल ऐसे ऐसे लपक के जो विकेटों में घुस जाती है। ने आयरलैंड को 96 पे ऑल आउट करके अपनी बॉलिंग का टेरर पूरी दुनिया में दिखा दिया, क्या लगता है आने वाले मैचेस के अंदर टीम इंडिया की ये बॉलिंग से बाकी टीमें परेशान होंगी? यार ऑब्वियसली परेशान होंगी, क्योंकि इंडिया जब भी जीतता है वो बैटिंग के सर पे जीता है। इंडिया वह 2024 में इंडिया की बॉलिंग लाइन मुझे बहुत स्ट्रांग ला रही है, और मैं अभी से कह रहा हूँ कि इंडिया इस मरतबा 2024 की ट्रॉफी बॉलिंग के सर पे उठाएगा। पाकिस्तान में टेरर जरूर आ गया था, हारा आयरलैंड, लेकिन रो पाकिस्तान के बादल रहे, क्योंकि पाकिस्तान के बादलों को पता चल गया कि भाई 9 जून को पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अप का क्या हाल होने वाला है। और भाई ये तो एक्सपेरिमेंट रोहित शर्मा ने आज फिर किया, हरदीप सिंह को पहला ओवर दे के, फिर बुमराह को तो जल्दी लगाया नहीं, 5वें या 6वें ओवर में जाके बुमराह को लगाया। कहाँ गए हैं वो लोग जो कहते थे बुमराह पहले 2 ओवरों का नए बॉल को स्पिन कर सकता है? और भाई आज 5वें 6वें ओवर के अंदर आप लोगों ने अगर बुमराह का ओवर नहीं देखा तो मेरे भाई जाके ना आप लोग हाईलाइट्स देखो कि बुमराह का पहला ओवर का पहला बॉल कहाँ से बच के गया था। वो तो शुक्र करे बैट्समैन ने, बैट्समैन को शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई माइनर सा बॉल थोड़ा नीचे होता ना, उसका किला ऐसा उड़ना था कि उसका वहां भी कैरियर एंड हो जाना, तो सोच रहा था कि भाई मैं इसको लीव करता, टिप करता, क्या करता। 2011 में जहीर खान एक अकेला बॉलर था इंडिया के पास, तब इंडिया ने वर्ल्ड कप विन किया, उसके बाद इंडिया हमेशा से बैटिंग लाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन पहली मरतबा इंडिया की धरती पे, इंडिया की जमीन पे बॉलर हमें नजर आए, पेसर हमें नजर आए, 8-8 बॉलर यूटिलाइज करे रोहित शर्मा। और आज जिस तरह की बॉलिंग लाइन मुझे देखने को मिली, और जिस तरह उन्होंने आयरलैंड को तबाह किया, आयरलैंड वो जो पाकिस्तान को 193 लगाती है उससे 96 पे इंडिया बुक करे, भाई जान आप खुद अंदाजा करें कि इंडिया बॉलिंग लाइन कितनी मजबूत हो चुकी है। बैटिंग तो वैसे ही शुरू से फॉरएवर इंडिया की बेस्ट रही है, लेकिन अब बॉलिंग लाइन इतनी मजबूत, और हार्दिक पांड्या से पिछले अगर मैं उसकी बात करूं यार, वो बंदा पता नहीं क्या खा के आते, 3-3 विकेटें, 4-4 विकेटें, अर्शदीप सिंह आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। लोग तैयारी करके आते हैं कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग जो है उसका हमें खौफ होगा, लेकिन अर्शदीप सिंह से ओपनिंग होती है और अर्शदीप सिंह दूसरे ओवर में 2-2 आउट कर जाता है। मतलब इंडिया की बॉलिंग लाइन को अब ना सिर्फ पाकिस्तान डरेगा बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड भी कहेगा कि इंडिया की टीम में जो है बॉलिंग लाइन बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है और तैयारी करके आनी पड़ेगी आपको। बाकी मैचेस के अंदर क्या लगता है कि 9 जून को पाकिस्तान थोड़ी बॉलिंग की तैयारी करके आएगा, क्योंकि हर बंदा तैयारी करता है बुमराह की, कुलदीप यादव की, अशर पटेल की, ये हम अर्शदीप सिंह का क्या करेंगे? यार देखें यही तो मसला है, मैं आपको ये बता दूं कि 9 जून को अब इंडिया पाकिस्तान जितनी भी तैयारी करे ना, अब इंडिया के पास इतने बॉलर बैठे हुए हैं, हर रोहित शर्मा नया से नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अभी तो कुलदीप यादव नहीं था, अब 9 जून को कुलदीप यादव पाकिस्तान के गले पड़ जाएगा मुझे पता है, क्योंकि वो पहले से ही बाबर आजम को वैसे वो पुक कर लेते हैं। रोहित अभी जो है जसप्रीत बुमराह भी रेस्ट कर रहा है, मतलब उसने उस लेवल की बॉलिंग नहीं की जो करना जानता है, जो वो कर सकता है। मुझे लगता है 9 जून को जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज, अगर ये एक एक दो दो विकेटें ले तो पाकिस्तान की पूरी टीम इन्होंने कच्ची निकल जानी है। और जसप्रीत बुमराह जो 6 रन देता है उसके बाद 2 विकेटें ले जाते हैं, और अर्शदीप सिंह यार इतनी स्विंग, मतलब यार बाल ऐसे ऐसे लपक के जो विकेटों में घुस जाती है, तो मुझे अर्शदीप सिंह बहुत ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। 9 जून को इंडिया की बॉलिंग लाइन अगर पहले पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो इस बॉलिंग लाइन ने 100 से नीचे पाकिस्तान को बुक कर, टीम इंडिया ने पकड़ के आज बजा दी है। मतलब आप अंदाजा, मुझे समझ नहीं आ रही यार ये पाकिस्तान का क्या होगा उस दिन, और मेरे बोपर का क्या होगा उस दिन, बोपजी का घंटे का क्या होगा उस दिन। इंडिया तो छोड़ ही नहीं रहा किसी को, वो बख्श नहीं रहा किसी को। यार बाबर आजम का क्या होगा उस दिन, क्या करेगा बाबर आजम? खेल पाएगा अर्शदीप सिंह को, खेल पाएगा जसप्रीत बुमराह को, खेल पाएगा मोहम्मद सिराज को, खेल पाएगा अर्शदीप सिंह को,
और हरषदीप सिंह वसीम अकरम लग रहा था मुझे। मैंने अपने ग्रुप में ये चीज भी लिखी है, ये हरषदीप सिंह है या वसीम अकरम है जो खेला ही नहीं जा रहा। और भाई क्लास है उन लोगों की, वो एक बांध के खेलते हैं और जिस दिन वो एक बांध के खेलते हैं ना, वो फाड़ देते हैं सबकी डंडा बजा देते हैं, सबका पकड़ के बैठा। और आज उन्होंने यही किया, मतलब आप अंदाजा लगा दो, इतनी भी थकी हुई पिच नहीं थी या इतनी भी थकी हुई आयरलैंड की टीम नहीं थी जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है। आप अंदाजा लगाओ ना कौन सा आयरलैंड का बैट्समैन इनके बॉलर्स को खेल सका। रोहित शर्मा जैसा कप्तान, उस जैसा माइंडसेट मैं लिख के देता हूं, इस टाइम प्रेजेंट क्रिकेट में किसी के अब्बे के पास भी रोहित शर्मा जैसा माइंडसेट नहीं है। ओ मेरे बबर का क्या होगा, 9 जून को मैंने घंटे का तो बच जाएगा घंटा। कुके भाईजान, हार्दिक पांड्या 3 विकेटें वो ले गया, जसप्रीत बुमराह पहला ओवर मेडन करके जा रहा है फिर दूसरे में विकेट ले रहा है, हरषदीप सिंह पहले 2 ओवरों में 2 विकेट ले रहा है, और बलबरनी को समझ नहीं थी आ रही। ओ मेरे घंटे तेरा क्या होगा, मेरे घंटे तेरा क्या होगा। अब बता ना, अब सोनू पीली चप्पल निकल बाहर सोनू पीली चप्पल, अब बाहर निकल और देख तेरे अब्बू ने क्या किया, तेरे असली अब्बू ने क्या किया, तेरे जो असली वाले अब्बू है ना, जिनका तुझे नहीं पता मुझे पता है, मुझे पता है तेरे ये वाले अब्बू है, उन्होंने देख क्या किया, आज आयरलैंड को पैक कर दिया 90 के आसपास। मतलब आप अंदाजा लगा लो जिस तरह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया टीम इंडिया ने, मतलब पीछे रह गया जाता है यार, पीछे रह गया जाता है। अगर ऐसा होता ना कि जी 5 विकेट बुमराह लेके जा रहा है तो जी केले बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की है, नहीं जी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बॉलिंग की बात करूं 96 की आयरलैंड ने, अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो हरषदीप सिंह 2 विकेटें जबरदस्त, पावर प्ले में जो बंदा बॉलिंग करके जाता है ना, पावर प्ले में वो बंदा जो बॉलिंग करके जाता है ना, किसी का उपयोग नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ शहीन टेपिया ये लोग किस तरह की बॉलिंग करते हैं, बक बक तो बड़ी कर रहे हैं लेकिन मुझे पता बॉलिंग टाइम इनका घंटा बच जाएगा, बॉलिंग टाइम इनकी कोई नहीं होती। पुत्र हरषदीप सिंह ने जिस तरह की बॉलिंग की है ना, आज लिख करवाओगे दो, मुझे करवा के दो इस तरह की पावर प्ले में। पिच स्लो है मैं मानता हूं, पिच स्लो है लेकिन सर वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होनी चाहिए, अकल आज टीम इंडिया ने आपको दिखाई है, अकल आज टीम इंडिया की बॉलिंग में आपको नजर आई है। टीम इंडिया ने अपना जो एक्सपीरियंस था, अपना जो टैलेंट था, और यार स्किल सेट में टीम इंडिया से बेहतर टीम कौन है मुझे बता दो ना, स्किल में इंडिया से बेहतर टीम कोई है नहीं ना है। जिस टीम में हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, दविंदर जडेजा, 4 ऑलराउंडर वो खिला रहे हैं, बॉलर छोड़ साइड पे कर दो, अगर ये 4 बॉलिंग करे ना तो बेटा किसी का अब्बा भी आगे नहीं खेल सकता, अगर ये 4 भी आगे बॉलिंग करे ना तो ये नहीं खेल सकते। मतलब इतनी जबरदस्त वो बंदे बॉलिंग करके जा रहे हैं, 2 विकेटे हरषदीप, सिराज ने जबरदस्त बॉलिंग की 3 में 13, बुमराह 3 में 6, 2 विकेटे आउटस्टैंडिंग, हार्दिक पांड्या आउटस्टैंडिंग 4 में 27, 3 विकेटे, अक्षर पटेल 1 में 3, उसके बाद रविंदर जडेजा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग,